हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीएम नॉलेज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिना सीन किए व्हाट्सएप स्टेटस कैसे देखते हैं, यानी कि आप सामने वाले बंदे का स्टेटस भी देख लो और जिसका स्टेटस आपने देखा है उसे पता भी ना चले। आमतौर पे क्या होता है, व्हाट्सएप में एक फीचर है जिसका इस्तेमाल करके अगर आप किसी का स्टेटस देख रहे हो तो वो पता कर सकता है कि उसका स्टेटस आपने देखा है। सिंपली वो ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेगा और उसका स्टेटस जितने लोगों ने भी देखा है वो यहाँ पर दिखा दिया जाता है। लेकिन आज मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप स्टेटस भी देख लोगे और जिसका स्टेटस आपने देखा है उसे पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आप इस दमदार ट्रिक को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। नीचे रेड कलर में लिखा हुआ है फ्री है सब्सक्राइब करना, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। उसके बाद एक बेल आइकॉन आता है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेटिंग्स वाला ऑप्शन आपको ओपन करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है डेटा एंड स्टोरेज यूजेस, आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको फोटो ऑडियो वीडियो सेलेक्ट करके ओके कर देना है। इसके बाद सिंपली आपको बैक चले आना है। मैं आपको बता दूं आप अपने फाइल मैनेजर का इस्तेमाल करके भी देख सकते हैं स्टेटस और सामने वाले बंदे को पता नहीं चलेगा, लेकिन इसमें आपको कई सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, कई इसमें फीचर है जिसे आपको इनेबल करना होगा और ये फीचर सभी फ़ोन में मिल भी नहीं पाता है और जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है। इसलिए मैं आज फाइल मैनेजर वाले फ़ीचर के बारे में मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि इसमें काफ़ी दिक्कत आती है और कई लोगों को ये फ़ीचर नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको आज इजी तरीका सबसे बता रहा हूँ, आप प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। एप्लीकेशन का साइज़ बहुत ही छोटा है, 4 MB की एप्लीकेशन है, आप आसानी से इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर के सर्च बार में टाइप करना है स्टेटस सेवर, आप एप्लीकेशन का देख लीजिए लोगो और कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा और रेटिंग 4.5 की है। तो सिंपली आपको इसे ओपन करना है, इजी टू यूज एप्लीकेशन है, सिंपली आप इसे ओपन कर लीजिए। जैसे यहाँ पर आप ओपन करेंगे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला है इमेज दूसरा है वीडियो। तो सिंपली आपको इमेज वाले सेक्शन में इमेज देखने को मिल जाएगी, जितनी भी इमेज आपके स्टेटस पे लगी हुई है, आपके स्टेटस पे नहीं जितने भी लोगों ने इमेज लगाई हुई है अपने स्टेटस पे सबकी इमेज यहाँ पर दिख जाएगी और उसके बाद वीडियो भी उसी प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर नया कोई स्टेटस आता है तो सिंपली आप इस पेज को रिफ्रेश करिए, ऊपर से नीचे की तरफ एक बार आप फिंगर स्क्रॉल करिए, रिफ्रेश हो जाएगा और जो भी नया स्टेटस है वो यहाँ पर आ जाएगा। सिंपली आप जिस स्टेटस को प्ले करके देखना चाहते हैं क्लिक कर दीजिए, वो स्टेटस आपके सामने प्ले हो जाएगा और जिसका भी स्टेटस है उसे पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देख लिया है। इस तरीके से आप आसानी से देख सकते हैं किसी का भी स्टेटस और सामने वाले बंदे को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देखा है। तो ये इजी तरीका है, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा आपको। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसी हेल्पफुल रेगुलर वीडियो लाता हूँ। तो जरूर सब्सक्राइब करिए और उसके बाद एक बेल आइकॉन आएगा उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।